विषय था और क्या इनकी बात सुनी गई? कुछ मुकदमों के लेके इन्होंने ज्ञापन दिया है, आईजी साहब को इन्होंने ज्ञापन देना चाहा था, तो मैंने ज्ञापन इसमें रिसीव करके आईजी साहब को हैंड ओवर किया। सर हर तीसरे दिन इस तरह से जो है सामने आते हैं, क्या करें? आता हो रही है उसमें सॉल्व भी हो रहा है सारे मुकदमे में, प्रभावी कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जा रही है। हमने यही कहा है आईजी साहब से कि इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, और जो अमित नाम का जो व्यक्ति, जो जाटव व्यक्ति था जिसकी हत्या हुई थी, उसमें स्लो कार्रवाई हो रही थी, उस संबंध में आज हम सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पीड़ित परिवार के लोग भी साथ में हैं, हम सब लोग आए हैं, और आईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द मतलब इसमें तत्काल प्रभावी तरीके से कार्रवाई कराएंगे, और एसपी सीडी साहब ने बोला है कि कोई भी समस्या हो आप हम लोगों को अवगत कराइएगा, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की एतराजी नहीं बरती जाएगी। एक तरह से हमारा, हम तो आए थे शांति से ज्ञापन देने के लिए, लेकिन एक तरह से प्रदर्शन सा हो गया, क्योंकि आईजी साहब के गेट बंद हो गए, फोर्स आ गया, एसपी सिटी साहब आ गए, सारा फोर्स आ गया। एक तो अमित जाटव नामक व्यक्ति की जो हत्या हुई है उस मामले में कहा कि राठौर समाज पूरा गलत नहीं हो सकता, कुछ ही लोग गलत हो सकते हैं, तो उनको दंड मिलना चाहिए। इसके अलावा एक लड़की है हीरा देवी, हीरा कुमारी हीरा, उसके पिताजी रिटायर्ड दरोगा हैं, उनके साथ एतमाद दौला में हर दर्जे की बदतमीजी हुई है, वो मामला दिया है, और एक जाटव समाज के व्यक्ति को हिंकी मंडी के व्यापारी ने ठग लिया है करोड़ों रुपए से, और उसका मकान तक बिक गया है और नकली काम उसने कराया, तो उस मामले में भी हमने ज्ञापन दिया है। और इसके अलावा एक ओंकार सिंह है जिसकी ज़मीन पर सवर्ण बिरादरी के लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो उस मामले में भी हमने कहा है कि उसमें तत्काल FIR होनी चाहिए। हमें उच्च अधिकारियों द्वारा अवगत कराया कि इसमें तत्काल कार्रवाई होगी और इसमें FIR दर्ज होगी और कार्रवाई होगी। नहीं, बल प्रयोग तो नहीं हुआ है, और मैं समझता हूँ कि अच्छी तादाद में हम लोग थे और अच्छी तादाद में पुलिस भी थी। आईजी साहब ने कहा है कि शीघ्र कार्रवाई होगी, और एसपी सिटी साहब ने ये वचन दिया है कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको बताएंगे, और सीओ सदर महोदय ने भी वचन दिया है कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको बताएंगे और हम उस समस्या का समाधान करेंगे। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।